गाइज़, आप लोगों ने कमेंट किया था कि क्रिप्टो ऐप पे हम लोग केवाईसी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो आज आप लोगों को मैं वही दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है, ऊपर में जो आइकन है मेरा केवाईसी इन रिव्यू आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मैंने अभी अभी यहाँ पे अपना केवाईसी कंप्लीट किया है और मेरे केवाईसी फिलहाल वेरीफाई नहीं हुआ है, तो यहाँ पे इन रिव्यू दिखा रहा है। तो मेरे को क्या करना पड़ा ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे केवाईसी हम लोगों को वेरिफिकेशन दिख जाता है, केवाईसी वेरिफिकेशन पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो योर डॉक्यूमेंट्स आर ऑलरेडी वेरीफाइंग, तो मेरा ऑलरेडी वेरीफाई हो रहा है। तो मेरे को क्या करना पड़ा, तो पहले तो मेरे को अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना पड़ा, तो मैंने अपनी मोबाइल नंबर डाला, उसके बाद मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आया, ठीक है, मैंने ओटीपी डाला, उसके बाद मेरे को पर्सनल डिटेल्स डालने के लिए बोला, मेरा नाम क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, मेरा पिन कोड क्या है, उसके बाद मेरे को अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए बोला, मेरी पैन कार्ड और मेरी आधार कार्ड से ही मेरे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया, मुझे बस अपनी पैन कार्ड नंबर वहाँ पे डालना पड़ा, उसके बाद मेरे पैन कार्ड का एक फ़ोटो खींचना पड़ा, मेरी गैलरी से पैन कार्ड में सिलेक्ट नहीं कर सका, मेरे को फ़ोटो ही खींचना पड़ा। तो आप लोगों को भी अपने डॉक्यूमेंट का अच्छा खासा फ़ोटो खींचना पड़ेगा। जब मैंने अपनी पैन कार्ड और आधार कार्ड का फ़ोटो यहाँ पे खींच के अपलोड कर दिया, उसके बाद मेरे को एक सेल्फी लेने को बोला गया, एक व्हाइट पेपर पे क्रिप्टो लिख के आप लोगों को उस व्हाइट पेपर के साथ कागज़ के साथ आपको एक सेल्फी खींचना है और उस सेल्फी को आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपकी जो केवाईसी कंप्लीट है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने भी ऐसा ही किया और मेरा जो यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन ये कंप्लीट अभी दिखा रहा है और इन रिव्यू मेरा दिखा रहा है, ठीक है। सभी मेरा यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं यहाँ पे बाई सेल और अदर चीज़ें मैं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे 24 आवर्स दिखा रहा है, तो मैं देखते हैं कि कितना टाइम यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे वाई वेरीफाई की केवाईसी की ज़रूरत क्या है, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, इन लोगों ने यहाँ पे लिख के दिया है, सिंपल सा बात है, RBI को ये सारी डाटा इन लोगों को देना पड़ता है कि किसने कितना कितना ट्रेडिंग किया है, उन सारी चीज़ों के लिए ही हम लोगों को यहाँ पे KYC की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा इन रिव्यू है, तो जब मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे किया आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। गाइस, देख सकते हो कि मेरा जो KYC है वो वेरीफाई हो गया है और यहाँ पे मेरी जो KYC है वो वेरीफाइड दिखा रहा है। तो नीचे हम लोग यहाँ पे KYC सेक्शन पे अभी मेरा देख रहे हो KYC वेरिफिकेशन कंप्लीटेड है, तो मेरा KYC जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग यहाँ पे क्रिप्टो पे वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर पाएंगे, किसी को भी हम लोग क्रिप्टो करेंसी पे कर पाएंगे और हम लोग सेंड और रिसीव भी हम लोग फिलहाल कर पाएंगे और डिपॉजिट और जो भी विड्रॉ जो भी है हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे। तो बिल्कुल ही आसान है, भीम UPI या तो बैंक ट्रांसफर से हम लोग यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, आप लोग देख सकते हो। और मेरा जो KYC है वो वेरीफाइड हो गया है, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही कम टाइम पे मेरे को वेरिफिकेशन मिल गया, विद इन 2 to 3 hours के अंदर मेरा जो वेरिफिकेशन है ये कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही इजी है यहाँ पे KYC कंप्लीट करना, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो।